नमस्कार दर्शक बंधु। दर्शक बंधु आज एक बढ़िया कथा अच्छी ब्रह्मचारी हेले संसारी। आज्ञा जदि तो हे ब्रह्मचारी नहले नहीं संसारी हेले ब्रह्मचारी होती पुणी संसारी हूँ कौटा हेले गोटे हूँ। बढ़िया कथा तुमर कहवा कथा जदि हे संसारी हूँ ना जदि एवं ब्रह्मचारी हूँ पुणी ब्रह्मचारी रु संसारी कहीं या तो शुणी सार शुणी सारापर चिंता कर तुम दीज को मुझ क्वेश्चन पचार जे काहेकि जने ब्रह्मचारी संसारी हला किंतु ता पूर्वरु आसंदु प्रभु को सुंदर से ही नाम सारा जगत तां करि धाम भज राम 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 जप श्याम 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 से ही अव्यक्त पुरुष नाम यही प्रकृति तां करि धाम भज राम 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 जप श्याम 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 से ही नाम को कले स्मरण सत्य पथरे हे भगवान भज राम 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 जप श्याम 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 सत्य पथरे कले गमन यही मानव हे महान भज राम 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 जप श्याम 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 भज राम 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 जप श्याम श्याम श्याम। अंग देशर राजा होचने राजा रोमपाद रोमपाद राज्य रे बातांकरी देश रे अकाल मरुड़ी पड़ा राजा भारी विव्रत हो गले राजांकर कई संतान संतति नथिले सी थिले राजा दशरथंकर घनिष्ठ बंधु जितेबले दुखरे थिले दशरथ आउ सुमित्रांकर गर्भरु जड़े कन्या जन्म होते जहाँ ना थिला सांता से ही सांता को सी रोमपाद को दे देते नि तुम्हें पोष्य कन्या करके तुम घरे रख सांता आसिकी रोमपाद घरे रहुले किंतु से समय जो अकाल मरुड़ी हो सेतबले कौन कले ना ज्योतिष पंडित मान को डाक राजा रोमपाद कहले जे कौन कले ये अकाल मरुड़ी आमको रक्षा मिल सब पंडित माने ज्ञानी माने सब देखिले कले गोटाई काम अच्छी विभाक ऋषिकर पुत्र होची श्रृंगी ऋषि ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी जदि आसिक आपणकर जो झियो रखी चंदी सांता को विवाह करिवे ताहले आपणकर राज्य रु मरुड़ी दूर हम। अरे तांको बापा विभाक ऋषि श्रृंगी ऋषि की आजीवन ब्रह्मचारी करी चंदी की आश्चर्य कथा मुझे आनी संसारी करी कले नहले किसी यही पार केवल सांता को विवाह करिया को पड़ो ताहले जाकि जा हम नहले हेनी कले ताहले किए जीव से श्रृंगी ऋषि की सीटू आई जीए एक जा कह विभाक ऋषि तपस्या रे आगे जालीदेवे अभिशाप देदेवे जीव किए कि गणिका माने थिले रूपसी माने थिले से माने कहले आमे जीव आई जदि श्रृंगी ऋषि आसिले आमर सांता देवी की विवाह कर सारा जदि आमर मरुड़ी आमर पड़ा अकाल भल हो आम जीव आई ना केमी जीव आरे तुम्हें बा नारी गुड़ाक विभाक ऋषि आश्रम को नारी जाति वर्जित तो। कहले कि चिंता करनी आम से व्यवस्था करू कले गणिका मान अंग देश को लगिक गोटे नदी की पारी हेले विभाक ऋषि आश्रम एम नदी एपारी छकिक बसिले अपेक्षा कले केतबले ना केतबले विभाक ऋषि तो जीव फल कंदमूल आनेपी से ही समय मौका खोजू जेमती जाभाक ऋषि कंदमूल फल आनेपी ये नारी माने मैने पहुँची गले कौटी ना आश्रम भितर श्रृंगी ऋषि देखीदे जापारे कहीं ना अनभिज्ञसु नारी ना से केवे जीवन रे नारी देखी नारी कौन जानी
ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ସବୁ ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଗୁଡ଼ା ଆଇଲେ, ଇଏ ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଏଗୁଡ଼ା ସେମିତି ପୁରୁଷ ଆଉ, ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଇଏ ବୋଧେ ସେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ ଅତିଥି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ଅତିଥି ସେବା। ଏ ଗଣିକାମାନେ ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଇଏ ଆମ ସେବା କରିବ। କହିଲେ ଆଗେ କୁହ ତୁମେ କେଉଁ ବେଦ ପଢ଼। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ହେଉଛି ସାମବେଦୀ ପଢ଼ିଲା ବାଲା। ନା ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଆମର ଆତ୍ମ ନାମ ଗୁରୁର ନାମ ନାମାତି କୃପଣାସ୍ୟଚ। କହିଲେ ଆମେ ନିଜ ନାଁ କହୁନୁ, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି। ଯେମିତି କୃପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଏନି ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କହିବୁ? ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କହିବୁନୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ନା ଆମେ ବା ସାମବେଦ ପଢ଼ୁଛୁ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ରୁହ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେବା କଲେ, ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକିରି ଆତିଥ୍ୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାଳେ ବିମାନକ ଋଷି ପଳାଇ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଲଡ଼ୁ ନେଇଥିଲେ, ଲଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଡ଼ୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲେ କହିଲେ ଇଏ କି ଫଳ, ତାକୁ ଫଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କହିଲେ ଚୋପା ନାହିଁ, ମଞ୍ଜି ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଫଳ ପୁଣି ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଏ ଫଳର ନାଁ କ'ଣ? ଏ ଗଣିକା ଯାକ କହିଲେ ଏ ଫଳ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନା, ଆମ ଇଲାକାରେ ପୁରା ଏଇ ଫଳ ଖାଲି ଗଛ ସାରା ବା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଯିଏ ବୋକା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୋକାମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। କହିଲେ ଆମ ଇଲାକାରେ ଆଜ୍ଞା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଇଏ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ନାରୀ। ପଚାରିଲେ ଇଏ ଚୁଟି ତମର, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ମୋ ଠାରୁ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା, ସିଏ ବି ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଚାଲନ ଦେଖି ଆସିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଆମ ଗଛରେ କେମିତି ଲଟିକିଛି, ଟିକେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ। ପିତାଶ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଏତିକିବେଳେ, ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବା। ଏ ଚାଲିଲେ, ଆସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଁରେ ବସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାଁରେ ବସିକିରି ଚାଲିଲେ, ଡର ଲାଗିଛି କାହାକୁ ନା ଗଣିକାମାନଙ୍କୁ, କାଳେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷି ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ, ଦେଖିଦେବେ ଆମକୁ, ଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଅଙ୍ଗ ଦେଶେ ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା, ଘନ ଅନ୍ଧକାର କରି ମେଘ ଘଟିଗଲା। ରାଧେ 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 ରାଧେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବରସାର ଆଗମନ ଦେଖି, ରାଜା ରୋମ ପାଦ ଭାରି ମନେ ହେଲେ ଖୁସି। ରାଧେ 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 ରାଧେ। ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ରସଗୋଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷିଆଙ୍କ ବେଶଭୂଷାକୁ ଦେଖି ପଚାରି ସାରିଲେ, ଏଇ ଚୁଟି କ'ଣ? ମୋ ଭଳିଆ ଶରୀର ନୁହଁ କାହିଁକି, ତମେ କାହିଁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛ, ମୁଁ କାହିଁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି? ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ବତେଇ କା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଇକିରି ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଏ ନଦୀ ପାଖରୁ ନେଇକିରି ରାଜା ରୋମପାଦ ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କିରି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଦର ଯାହା ହଉ, ଗଣିକାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ, ଯଦି ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷିଙ୍କି ଧରିକିରି ଆସିଲେ ତ ସସନମାନେ ମୋ ରାଜମହଲକୁ ଆଣିବେ, ଏ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ବାପା ଚାହିଁଥିଲେ କେବେ ବି ନାରୀର ମୁଖ ମୋ ପୁଅ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ସାରା ଜୀବନ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ନାରୀମାନେ ଆସି ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷିଙ୍କି ଡାକିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଗଣିକାକୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ଭାବିଦେଲେ ନା, ପ୍ରଥମ ଥର ଜୀବନେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପୁଣି ବେଦଜ୍ଞ ବୋଇଲେ। ରାଧେ 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 ରାଧେ।
राधे 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 राधे। अतिथि बोइले आजि आम आश्रम रे किए तुम गुरु कुह आमर आगरे। राधे 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 राधे। प्रथम तर जेतेबेले देखी देइचंती गणिका मानको कहि देले एई गुडा होचंती ब्रह्मचारी। मु ब्रह्मचारी ए माने ब्रह्मचारी, मु वेदज्ञ ये भी वेदज्ञ। ताको अतिथि करी ताको गोड़ा हाथ धोई ताको ठार लड्डू खाई देले कले ये लड्डू कौन आधेरे चोपा नहीं आ भीतर मंजी नहीं ये को गच्छर फल कले फला नीति मान्यते से ताको फल बिली मानी नेले से खाइबा द्वारा देखंतु ऋषि सेति पई ताको बाहर जिंस कोइ नतले ये खाई देले लालच आसी वाला लोभ आसी वाला। ये रस सुख जेतेबेले पळे आसिला रूप रस शब्द स्पर्श गंध ये पांच सुख को भिवांडक ऋषि दूरे रखी थिले। किंतु जेतेबेले रस स्वाद पळे आसिला ये कोठी फळुची गणिका माने सेई मौका रे नै गले चालो देखि आसीबा आम गचरे पळुची नै कि जेतेबेले पहुचेई देइचंदी एते साज सदा से किछि बुझि पालेनि जीवन रे केबे देखि नथिले ओल्हई पड़चंदी जेतेबेले वर्षा आइगला आउ कोला हांडिया मेघ पळे आसिला बादल आसीगला पूरा झरझर झरझर वर्षा को देखिकिरी राजा रोमपद पूरा खुशी रे गदगद हो गले। अरे जो ऋषि आसी पहुँचू पहुँचू वर्षार आगमन हो गला निश्चित मो कन्या को सी बह कर सारापर निश्चित रूपे भल हो ये अकाल पल ये पंडित मान कथा सत्य एति चिंता करी विभाक ऋषि आसी ना ये माने पूरा पाछोटी नहीं बेदी रे बसई बाहागर सारदे बापा करी ब्रह्मचारी ए माने सीधा आणिकिरी करी देले संसारी संसारी करी देले विवाह करी देले। से पचारु चंदी ये कौन वर्तमान शांता कौन कले संसार सब नियम कानून श्रृंगी ऋषि की सब बुझे चलिले दाम्पत्य जीवन कथा बुझे चलिले जे यही संसार भितर रहिले गोटे पुरुष गोटे नारी उभय रहा दरकार। जदि गोटे भल पुरुष गोटे भल नारी न होबा आ तृतीय संतान आसी पारे ना संतान जदि जन्म न होबा नारीर किछि सार्थकता रहबनी सब कथा धीरे 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 शांता बसी बुझौछन्ति। एपटे कौन है ना विभाक ऋषि कंदमूल फल पाई जाइथिले जेतेबेले कंदमूल फल धरिकिरी जंगल रु आसी आश्रम रे पहुँचंती देखिले पुत्र श्रृंगी नाहंती चारिआड़े खोजिले अरे एत बड़ पुत्र मोर कुआड़े गला मो पुओ जीए भी जदि मो पुओ को इठु केही भी बाहर को डाकिकिरी नहीं थो मु ताको ध्वंस कर देबी। खोजी चलिले पूरा क्रोधित हो गले आउ खबर पहुँची गला तांको पाखरे राजा रोमपाद नहीं जा पूरा क्रोधित हो गले क्रोधरे कौन है क्रोधित हो ऋषि राजे प्रवेशीले अभिशाप देवी आजी राजा को बोइले। राधे 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 राधे। क्रोध को देखिण सब प्रजा थर अनिष्ट हेब कि आम राज्यवासी कर। राधे 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 राधे। खबर मिलीगला जे राजा रोमपाद अकाल पड़ी थी ऋषि आगे कौन कले केमी खबर नेले ना तर एत तपस्या थिला से तपस्या रे देखी देले पुओ मोर कौटी अच्छी पुओ मोर कौटी अच्छी खोजी चलिले एत तपशक्ति दर्शक बंधु जी तपस्या करती आम त्रिकालदर्शी बोली कहती कहीं बहुत किसी कथा ध्यान जापारती ये बिभाक ऋषि तपस्या देखीदे जे मो पुओ जा
रोमपादंक पाखरे कहले आज अभिशाप देवी से राजा को पूरा क्रोधरे जर्जरित तो है सी आसी पहुँची गले पूरा राज्यवासी देखी पूरा दुखित तो हो गले पूरा समस्ते डरी गले अरे कौन हम ये ऋषि जदि अभिशाप देदेले आज पर्यंत कही जा गोटे गच्छे सीटी लताटे जन्म हुए नी गोटे पुलिंग हो कि स्त्रीलिंग पशु से आश्रम को जाती आज केते बड़ भूल करके राजा रोमपाद श्रृंगी ऋषि की नहीं आसिले रोमपाद देखिले जदि ये श्रृंगी ऋषि पाद पड़ जदि मो राज्य वर्षा है मुझे सिंहासन में बसईदेवी ताल निश्चित रूपे मो राज्य मंगल होतीपाई कन्या सांता को तो बिवाह करदे उभय को राजा आसन में राजगादी पर बसईदे ये है राजा ये है राणी मोर आउ राजा हवा दरकार नहीं ये क्रोधित जी पहुँची जा पुओ को देखीदे जे राजा बेसरे अच्छा लक्ष्मी जुक्ता है अति कमनीय टाणी बसी पुत्र बधु सांता जो क्रोध थिला निमिषकरे पानी हेगला पुओ को देखी साइला परे टिके ऊपर को अनेले हे प्रभु सी कौन कहउचंदी ऊपर को टिके अनै देले मने मने कहउचंदी राम की ना चाहे जो सोई होई कराई अन्यथा असन ही कोई राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम ठीक है प्रभु को चाहिं देले प्रभु तुमे जहा चाहिबो ताहा ही करि देबो ताको काटिबा को टाळिबा को मोर कोन से शक्ति अछि प्रभु मु संसारी करिबिनी बोली संकल्प करी मो पु ब्रह्मचारी हो तमें संसारी करदेल एपटे कौन कले पु जिते बड़े देखीदे बापा मोर आसी पु तो किसी जाना क्रोध भी कौन जान ना से उठिकी पलैले बापा को आसी प्रणाम कले बापा प्रणाम कले चिरंजीवी भव पुत्रवधु प्रणाम कले कले अखंड सौभाग्यवती भव ये राज्यवासी जो थे डरी जाते हैं कले अरे ये थिला ब्रह्मचारी यही संसारी बापा रखिए ना बापा एवं कुंडे पकेले पुओ को कहले मो हाथ में किसी नाई बाबा सब से ही भगवान कर इच्छा जा एबे तुमको आशीर्वाद देदेली जदि मो पुअर राजा हवार अच्छी आ पुओ को ब्रह्मचारी कले कौन हम जी मो पुअर संसारी हवार अच्छी जो भाग्य लेखाई तो मुझे चाहिए कौन करी ब्रह्मचारी करें तुम्हें जहा कर कहीकि तपस्या को पलैगले दशरथ जिते सतान सतती हेले ना वशिष्ठ से कौन कहले ना निश्चित रूपे से श्रृंगी ऋषि जदि आसी यज्ञ करे सांता झीओ जदि तांगे आसव आदि श्रृंगी ऋषि आसी यज्ञ करे तो पुत्रेष्टि यज्ञ कले तुम पुत्र हम से श्रृंगी ऋषि पुणी आसिक यज्ञ करते से यज्ञ चरु खाई सारापुर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म होते दर्शक बंधु सतरे हो ब्रह्मचारी हेले संसारी भगवान को बिना इंगित रे मनीष चाहिले निज इच्छा रे किछि करि परबो नाही ए जो कथाटी थिला ए कथा रे आमे कोन सिखिले ना आमे कोन जा चाहे से आव ऊपर वाला जा चाहे भगवान जा चाहे से आव किंतु आमे सबले भगवान को जदि मानिकिरि चली थिवा ताले भगवान हमको भल रास्ता रे नेबे आज समय रे सारा ए कथा को आमे एठ रखुछु पुणी आसिबो आगामी अध्याय रे इंदु नुआ नुआ कथा नै सेतबेळ पर्यंत आपण माने भलरे थांतु समस्तंगर मंगल कुशल कामना करथांतु ए कामनार सहित रहुछु नमस्कार जय जगन्नाथ।